छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले एक सूत्रीय मांग को लेकर करने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। मानस भवन परिसर में इकट्ठा होकर सफाई कर्मचारियों ने चर्चा कर लगाए नारे। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपनी एक सूत्री मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को दुर्ग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ अपना प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग के मानस भवन परिसर में सैकड़ों की संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुँचाने बैठक आहूत की, जिसमें लगातार अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने चर्चा की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ जिला दुर्ग के कर्मचारी ने बताया कि जिले भर में लगभग 1400 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, साथ ही उन्हें स्कूल के बड़े पद पर बैठे लोगों से तिरस्कार सहने के साथ ही 2 घंटे की ड्यूटी के साथ पूरा दिन जी हुजूरी करना पड़ता है, जिसके बाद भी पूरे माह भर में सिर्फ 2,430 रुपए ही मानदेय मिल पाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर 30 जून गुरुवार को समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं दुर्ग जिला से। हमारा एक सूत्री मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन, जो हम 11 वर्षों से लंबित मांग है, वो मांग हम लोगों का पूरा नहीं हो रहा है, जिसके एवज में हम लोग 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं दुर्ग जिला में, और 4 तारीख से अपना प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल में सम्मिलित होंगे। जिला के हड़ताल है, उसमें मैं आई हूँ, लक्ष्मी देवी पाठक हूँ, और हमारी जो बहनें बता रही हैं अपनी समस्याएं, वो समस्याओं को भी सुन के हो रहा है। काम हम तो करते हैं तो हमको हमारी मेहनत की पैसा मांग रहे हैं। हमको तो 2 घंटा का काम दिए हैं सरकार ने, लिखित रूप में भी है कि ये 2 घंटा का काम करे सफाई कर्मचारी, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा हमको काम ले रहे हैं हमारी सरकार। हमारी जो टीचर हैं वो भी, हमारा काम भी इतना बढ़ा हुआ है कि हम लोग तो हड़ताल करेंगे सर। हमको हड़ताल चाहिए, सही काम का सही दाम चाहिए, है ना। 2 घंटे का काम में हमको 2000 दे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए सब चीज़ के बारे में। वैशाली गाँव से हूँ और न सफाई कर्मी में 2011 से हम लगे हुए हैं। मात्र 1000 रुपया दे रही ना, तो 11 साल से हम करते हुए अभी मात्र 2400 रुपया हुआ है, 2430 रुपया हुआ है। और क्या बोलते हैं मैडम मन है, काम करो अच्छा से, नहीं फिर तुम लोग को निकाल देंगे, आवेदन लिख के दे दो, ऐसा करके बोलते हैं। फिर भी हम बोल रहे हैं चल भाई, 2 पैसा का नौकरी कर रहे हैं, स्कूल है तो इज्जत का काम है, इज्जत से आदर करते हैं सभी बच्चे लोग करके ना, मन से तन से भी काम करत हैं हमन है। तो वो मन क्या बोलते, ये मन तो सफाई कर्मी है, बाइक रूप से कई बार बोलते ए भाई ये कर इसे करके, तो मैं एक बार भी बोले हूँ हमारे मन के नाम है मैडम, ये नाम ला लेकर हम कोई जगह जूठा बर्तन मांजे नहीं जाथन, बाकी स्कूल के काम है, इज्जत से आहन, इज्जत से काम करत हैं हमन, और एक ठन पद में भी लगे हमन है, इसे करके बोला ना जवाब ला दे हमें है। और एक भी ऐसे है, एक रविवार के यहाँ तक के छुट्टी रही नहीं तो हर दिन स्कूल जाथन, वो बीच में वो मतलब पोताई हो चाहे कुछ भी कराना है, काम धाम कराना है, बोला करना चाहिए नहीं तो क्या बोलते रविवार के ताला खोले बार आवे, और दिन भर वो पोताई भी करी तेला वो सामने में देखना है, और उस वो है जब पोताई करके घर जाए तब ते चले जाबे बोलते, तो वो दिन के मोड़ रोजी देती तब मैं कर पाते, और रविवार के छुट्टी तो वो नौकरी कैसे करूँ मैं, ऐसे करके ना हमारे मन के बात आवे, और कुछ भी बोलबे नहीं तो का कही चपर चपर मुँह जबान लड़ाते हो बोलते हो ऐसे कर। 2000 के मैं भी बोले एक दिन मैडम ला, यहाँ तक के 50,000-60,000 आप मन नौकरी करत हो, मोर तो 2000 के नौकरी तुम्हार मन के एक दिन के भी रोजी न हो, तेन चीज ला हमन है एक एक महीना तक ले घसाट हन, और 2000 के नौकरी करत हन फिर भी हमारे ला तो मन पैर के धूल समझत हो, हमार मन घर खेत है खार है, इज्जत से काम करत हन। हम लोग 120 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहा है, 2 घंटा का ड्यूटी है करके बोलते हैं, 2 घंटे की ड्यूटी के जगह में हमको दिन भर रखा जाता है, और साफ सफाई के अलावा हम लोग को वहाँ जूठा बर्तन भी धोना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, और चाबी को भी हम लोग को ले जाना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं मानते हैं बात तो प्रधान पाठक द्वारा हम लोगों को वहाँ से निकालने की धमकी देता है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर वहाँ काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग को 10 दिन के अंतर्गत में पूर्णकालीन करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक हमारे कार्य को नहीं किए हैं, वादा खिलाफी हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम करेंगे दिन भर ड्यूटी काम वहाँ, लेकिन हम लोग को 10,000 पेमेंट और वहाँ दिन भर के लिए हम लोग को रखा जाए, पूर्णकालीन किया जाए हम लोग का ड्यूटी। अब अंशकालीन सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, देखना होगा इनके इस आक्रोश प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।